फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने लगी, तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से इस बार पर्टिकुलरली 2022 में, क्योंकि रूल्स चेंज हो चुके हैं, इस बार आप किस तरह से चॉइस फिलिंग करेंगे, क्या क्या सावधानियां रखेंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर से आपका सिनेरियो लेके इस बार चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि किस तरह से आप चॉइस फिलिंग करेंगे। साथ ही साथ, जैसा कि मैंने पहले भी अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया और यूट्यूब पे भी शेयर किया कि पैरेलली आपका स्टेट का भी नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं, तो स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन जब भी हो, डेट हो, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली सभी स्टेट में रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो गए हैं स्टेट कोटा के। ये दो बात ध्यान में रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में इस बार चॉइस फिलिंग किस तरह से करेंगे। देखिए, इस बार जो रूल है वो ये है कि इस बार एक बार कॉमन पोर्टल बनाया जा रहा है, कॉमन सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जो कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के राउंड वन राउंड टू के कैंडिडेट्स को यहां पे वो उनकी लिस्ट डालेगा और इन सभी को ब्लॉक कर देगा, मतलब ये फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस बार का, जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग आपकी बचेगी। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप सावधानी से चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जिसका स्कोर कम होगा उसको अच्छा कॉलेज, जिसका अच्छा स्कोर होगा उसको घटिया कॉलेज। मतलब अब घटिया मैं बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी कॉलेज घटिया नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको आपके रैंक के बेस पे वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा जो आप डिजर्व करते हैं, कंपेयर टू जो बच्चा आपसे लो रैंक पे आता है उसको वो कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए, क्योंकि इस बार राउंड वन राउंड टू का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि राउंड टू में अगर आप सीट ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे स्टेट कोटा है फिर ऑल इंडिया कोटा, फिर फर्दर काउंसलिंग के आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और राउंड टू तक आपको हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आपको यहां पर सीट लेनी है या फिर फर्दर मूव करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपको ये पता चलेगा यार मेरे तो 620 मार्क्स हैं या 630 मार्क्स हैं, मुझे 7th नंबर वाला कॉलेज मिला और एक बच्चा है जिसके 605 मार्क्स हैं उसको 4th नंबर वाला कॉलेज मिला। इस तरह से आपके साथ हो सकता है, तो इसलिए सावधानी से चॉइस फिलिंग करिएगा। मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, पहले ऑलरेडी, क्योंकि लास्ट ईयर का भी मैंने बहुत सारे बच्चों का 220 बच्चों का कंसल्टेशन मैंने किया, तो हर बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। सब बच्चे ये चाहते हैं कि हमको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले, सबकी यही कोशिश होती है, कोई ये नहीं चाहता कि मुझे लोअर ग्रेड का इंस्टीट्यूट मिले बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग से पहले 100 बार अपनी चॉइसेस को चेक कर लीजिएगा, किस राउंड में आपको प्रॉपर एडमिशन लेना है, किस राउंड में ज्वाइन करना है। और चॉइसेस जब बनाएं तो स्टेट प्रायोरिटी बनाएं, स्टेट वाइज कॉलेजेस की लिस्ट दें, लिस्ट बनाएं, और साथ ही साथ नॉर्थ के कॉलेजेस, देन साउथ के कॉलेजेस, देन नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस, जिस तरह से भी आप चाहते हैं बना सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो साउथ के कॉलेजेस पहले प्रेफर करते हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो केरला के कॉलेजेस प्रेफर करते हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सबकी यही डिमांड नहीं होती। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनका ये होता है कि हमें होम सिकनेस होगी या फिर हम लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी इस तरह का, तो बेस्ड ऑन योर प्रियोरिटी आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और सावधानी से, क्योंकि राउंड टू के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर मेक और ब्रेक वाला रूल हो जाएगा यहां पर। ध्यान से चॉइस फिलिंग करिएगा, बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।